बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक छोटा सा क्वेश्चन सर मैं सॉल्व करूंगा जनाब, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विद WIP। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे सर हमारे पास एक सिनेरियो है कि जिसमें हमारे पास ओपनिंग WIP आ रहा है। अच्छा, हम सबको ये बात पता है कि WIP का मतलब होता है वो यूनिट जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। सर WIP है हमारे पास 5000 यूनिट्स। ठीक है जी। अच्छा, ये 5000 यूनिट्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट है, अलबत्ता कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से सर ये 60% कंप्लीट है। डन हो गया। अच्छा जी, सर हमारे पास फिर न्यू यूनिट्स भी हमने इंट्रोड्यूस किए हैं फिनिश गुड्स बनाने के लिए। सर हमने नए यूनिट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। सर ये मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई 28000 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो टोटल यूनिट सब्जेक्ट टू प्रोसेस कितने हो गए सर? 33000। इस 33000 में से मैं अज्यूम कर रहा हूं सर हमने कोई कंप्लीट किए से 22000 यूनिट्स। ठीक है जी। सर हमारे पास क्लोजिंग WIP आ रहा है मिसाल के तौर पर 6000 यूनिट्स। सर हमारे पास नॉर्मल लॉस आ रहा है मिसाल के तौर पर सर कोई 3000 यूनिट्स। और सर हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर बचती है 2000 यूनिट्स की, वो है हमारे पास एबनॉर्मल लॉस। ठीक है जी। अच्छा, मैं साथ में सर और भी चीज़ें बताता जाऊं। जो कंप्लीट यूनिट है उसके बारे में बोलना ये बेकार है, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूं कि ये मटेरियल के लिहाज से भी 100% कंप्लीट है और ये कन्वर्जन के लिहाज से भी 100% कंप्लीट है। ठीक है जी। इसी तरह सर जो क्लोजिंग है, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये मटेरियल के हिसाब से 70% कंप्लीट है, अज्यूम कर रहा हूं, अज्यूम। ठीक है जी। और सर ये कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से कोई 50% कंप्लीट है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें सवाल में गिवेन होंगी। ठीक है जी, दिमाग में रख लीजिएगा। नॉर्मल लॉस सर, लॉस सर डिटेक्शन पॉइंट एट द एंड है। इसका मतलब है सर जो यूनिट भी लॉस डिक्लेयर होगा वो मटेरियल के हिसाब से 100% और कन्वर्जन के हिसाब से भी 100% कंप्लीट होगा। ठीक है जी। सर इसी तरह मेरे पास एबनॉर्मल लॉस का भी यही हिसाब है सर, मटेरियल के हिसाब से ये भी 100% कंप्लीट है और ये भी 100% कंप्लीट। अब अगर मैं आपसे पूछूं, सवाल पूछूं मैं आपसे कि जो ओपनिंग WIP के 5000 यूनिट्स हैं ये इस वक्त कहाँ मौजूद है, तो आप कहोगे सर ये 22 में मौजूद है। फिर मैं आपसे कहूं सर इस 28000 यूनिट्स में से बाकी के यूनिट्स सर इस 28000 की यूनिट्स के आउटपुट किधर गया, सर आप कहोगे 5000 ओपनिंग इसमें आ रहा है। ठीक है जी, 22000 में, और इसी तरह 28000 में से भी कुछ यूनिट जो है वो इसके अंदर आ रहे हैं। तो सर अगर मैं काम करूं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए, अपने दिल के सुकून के लिए, सर मैं इसका ब्रेकअप बना लूं का मतलब ये कि मैं कहूं है 22000। ठीक है जी, लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं, फ्रॉम ओपनिंग और फ्रॉम न्यू। ओपनिंग में से कितने? 5000। न्यू में से कितने सर? 17000। ठीक है जी। तो मैं कहूँ जनाब ये दोनों मिला के मेरे पास बनते हैं कितने? 22000। ठीक है जी, इसका मैंने ब्रेकअप बना दिया। ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास 28 में से 17 यहाँ आ गए और बाकी क्लोजिंग नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस ये सब नए इनपुट में से आए। ये हमारा जो है वो एस्टिमेट, हमारा अंदाजा ये। ठीक है जी, हमारी अजम्पशन है शुड आई से। अब एक तो एग्जामिनर आपको ये देगा एग्जाम में, दूसरा आपको ये बताएगा कि एक यूनिट का स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है जी। अब मैं आपको बता रहा हूं सर स्टैंडर्ड। सर स्टैंडर्ड में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल सर एक यूनिट पे 5 kg लगता है और 1 kg आता है सर हमारे पास ₹12 में। ठीक है जी, ये याद रखना, इस 5 kg में इंक्लूड्स लॉसेस। कौन से लॉसेस? नॉर्मल लॉस, यानी एक मटेरियल एक यूनिट पे जो मटेरियल लगता है 5 kg लगता है, इसी में से लॉस निकलता है। ये लॉस ऑलरेडी नॉर्मल लॉस इधर इंक्लूडेड है। ठीक है जी, यानी सर 5 kg आउटपुट नहीं होता, आउटपुट कम होता है। ठीक है जी। फिर डायरेक्ट लेबर सर हमारे पास 8 घंटे लगते हैं और हमारे पास 1 घंटा है सर मिसाल के तौर पर ₹6 का। ठीक है जी। सर वेरिएबल ओवरहेड्स सर सेम 8 घंटे एट द रेट ₹2 फी घंटा। सर फिक्स्ड ओवरहेड में पर यूनिट चार्ज करता हूँ, पर यूनिट सर कितने? सर मैं पर यूनिट ₹50 चार्ज करता हूँ।
ठीक है जी। अब मुझसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि यार आप एक काम करें, आप मुझे सारे कॉस्ट वेरियंसेस निकाल के दें, दो मटेरियल के, दो लेबर के, लेकिन सर साथ ही साथ वो आपको और क्या बताएगा, एक्चुअल कॉस्ट बताएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर मैं एक स्टेप आगे जाऊं तो सर मैं सबसे पहले देखता हूं मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट में सर मटेरियल है, मैं ये हेडिंग्स डाल देता हूं, केजीज, आर्स, रेट और कॉस्ट। ठीक है जी। सर मटेरियल मैं अज्यूम कर रहा हूं मेरे पास कोई 1,20,000 केजी कंज्यूम हो। ठीक है जी। सर मेरे पास लेबर के आर 1,84,000, वेरिएबल ओवरहेड के आर्स भी 1,84,000 है, और सर मेरे पास जो फिक्स्ड ओवरहेड है उसकी टोटल कॉस्ट वो मैं यहाँ ले लूंगा सर। अब मेरे पास से मिसाल के तौर पर ये 13 रुपये का मुझे मिला है, ये 5.5 रुपये का मिला है मुझे, सर ये मुझे 1.75 रुपये का मिला है, ऐसे 1.82 रुपये का आर मिला है मुझे। ठीक है जी। सर मैं इसकी कॉस्ट भी निकाल लेता हूँ, दिस दिस दिस, और मेरे पास सर जो फिक्स्ड ओवरहेड है मिसाल के तौर पर सर वो मेरे पास है जनाब, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ सर, सर देखिए सवाल में आपको ये सब कुछ दिया है, ये सब एक सवाल है, अभी तक हमने जवाब शुरू ही नहीं किया। एग्जामिनर ने आपको कहा कि भाई हमने 5,000 यूनिट्स ओपनिंग WIP में पढ़े हुए थे, और ये WIP इसलिए थे कि इस पर कन्वर्जन कॉस्ट ही लगी हुई थी पूरी, नए यूनिट्स हमने स्टार्ट किए, फिर हमने सर 22 कंप्लीट कर लिए, 22 में जब 5 ओपनिंग के ये रहे आपके सामने आ रहे हैं, 17 हमने नए में से कंप्लीट किए, क्लोजिंग WIP है, नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस सर दोनों एंड में डिटेक्ट होते हैं क्योंकि लॉस रिडक्शन पॉइंट एट द एंड है। आपको ये बता दिया गया कि एक यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, आपको ये भी बता दिया कि एक्चुअल खर्चा क्या है। अब आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि आप एक काम करो प्यारा भाई, आप जरा वेरियंसेस निकाल के दो। देखो वेरियंसेस निकालने से पहले ना सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपने इफेक्टिवली कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, जिसको मैं नाम दूंगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है जी। आपने इफेक्टिवली कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, अब एक आर्ग्यूमेंट ये आएगा सर हमने तो 22,000 यूनिट प्रोड्यूस किए, नहीं 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 नहीं, जब भी WIP आएगा हम इसको कंप्लीट कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर से कुछ आउटपुट ऐसा है जो लास्ट पीरियड का है। ठीक है जी। और सर फिर नए पीरियड में जो काम हुए वो इस पर कवर नहीं हो रहे, तो मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालूंगा जब भी WIP आएगा, कान खोल के सुन लो। ठीक है जी। बताए मेरे पास कॉस्ट के हिसाब से मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड, आप चाहो तो इन तीनों को कंबाइन करके एक नाम दे सकते हो, क्या नाम दे सकते हो, कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ जितने क्लासेस ऑफ आउटपुट हैं, कितने क्लास ऑफ आउटपुट हैं, कितने क्लास ऑफ आउटपुट हैं। सर मेरे पास पहला क्लास ऑफ आउटपुट कंप्लीट यूनिट्स, कंप्लीट यूनिट्स लिखे यहाँ पे, लेकिन कंप्लीट यूनिट्स के सर दो ब्रांचेज हैं, कंप्लीट यूनिट्स की दो ब्रांचेज हैं, कौन सी दो ब्रांचेज हैं सर, फ्रॉम ओपनिंग, फ्रॉम न्यू। ठीक है जी। ये दो ब्रांचेज हैं, दो ब्रांचेज हैं। फिर सर हमारे पास क्लोजिंग WIP, फिर और सर हमारे पास सर नॉर्मल लॉस, फिर सर हमारे पास एबनॉर्मल लॉस, फिर सर हमारे पास सर नॉर्मल लॉस इधर आएगा, आएगा इधर नॉर्मल लॉस, बैच करते हैं सर इसके ऊपर। ठीक है जी। फिर सर हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है जी। अब बताओ सर मेरे पास इस पीरियड में, स्पेसिफिकली इस पीरियड में क्या मटेरियल के इन ओपनिंग, इन ओपनिंग यूनिट पर मटेरियल इस पीरियड में लगा, नहीं सर ये लास्ट पीरियड से ही मटेरियल के हिसाब से कंप्लीट थे, लास्ट पीरियड में ही मटेरियल के हिसाब से कंप्लीट थे, तो मैंने ओपनिंग यूनिट्स इस पीरियड में जो ये खर्चा किया है, जो ये खर्चा किया राइट पे देख रहा हूं, जो ये खर्चा किया सर ओपनिंग के एक यूनिट पे भी मैंने 1 रुपए का मटेरियल नहीं लगाया, क्यों सर ओपनिंग यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट थे। क्या ओपनिंग के यूनिट ये 5,000 सर कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से भी कंप्लीट थे, नहीं नहीं सर कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 60% कंप्लीट थे, तो 40% इस पीरियड में कंप्लीट हुए। ठीक है जी। चलो जी, ये हमने ले लिया सर इस पीरियड में मटेरियल ओपनिंग यूनिट्स पे कुछ नहीं लगा, कन्वर्जन कॉस्ट ओपनिंग के यूनिट पे 2,000 यूनिट्स लगी। अब पिक करो उसके बाद सर ये 17,000 यूनिट्स इसी पीरियड में स्टार्ट हुए, मटेरियल के हिसाब से भी इसी पीरियड में कंप्लीट हुए, कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से भी। क्लोजिंग WIP इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ, मटेरियल के हिसाब से 70% कंप्लीट हुआ, कितना मल्टीप्लाई बाय 0.7, कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 50% कंप्लीट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 0.5। नॉर्मल लॉस अल्लाह के वास्ते यहां मत लेना, मत लेना, मत लेना, मैं इधर इग्नोर कर रहा हूं उसको। ठीक है जी। नहीं लेना, रीजन थोड़ा सा आगे जाके सवाल में बता रहा हूं।
एबनॉर्मल लॉस के यूनिट, सर ये 2000 यूनिट चूंकि एंड पे डिटेक्ट हुए तो मटेरियल के हिसाब से भी फुली कंप्लीट, कन्वर्जन के हिसाब से भी फुली कंप्लीट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, सर इस पीरियड में इतने यूनिट्स पे मटेरियल लगा अदर देन नॉर्मल लॉस, इस पीरियड में इतने यूनिट पे कन्वर्जन कॉस्ट लगी अदर देन नॉर्मल लॉस, ठीक है जी। यहाँ गया सर 23,200 और 24,000, ठीक है जी। अब आए जरा सर मैं वेरियंसेस निकालने जाऊँ, सर ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकाले किस लिए, अगर कोई पूछे कि इस पीरियड में कितने यूनिट कंप्लीट हुए तो मेरा जवाब होगा मटेरियल के हिसाब से 23,200 और फिनिश गुड्स 24,000 कंप्लीट हुए कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से, ठीक है जी। अब मैं निकाल रहा हूँ सर मेरे पास मटेरियल के वेरियंसेस, ठीक है जी। मटेरियल में सबसे पहले मटेरियल का प्राइस वेरियंस, ठीक है जी। कैसे निकालेंगे सर प्राइस वेरियंस, सबसे पहले सर मेरे पास स्टैंड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल केजीज, कितने रुपए का एक केजी खरीदना था सर आप, सर अगर मैं ऊपर जाऊँ तो मुझे नज़र आ रहा है 12 रुपए का एक केजी खरीदना था और मैंने 13 रुपए का एक केजी खरीदा, डन है, 12 का खरीदना था 13 का खरीदा, ठीक है जी। कितने केजी आपने खरीदे सर, मैंने खरीदे सर कोई 1,20,000 केजी, ठीक है जी। अब अगर मैं वेरियंस निकालने जाऊँ तो आई नो कि ये वेरियंस एडवर्स होगा, क्यों, 12 रुपए की चीज़ हमने 13 रुपए में खरीदी है मल्टीप्लाई बाय 1,20,000, तो 1,20,000 का एडवर्स वेरियंस। इसी तरह सर मैं मटेरियल का यूसेज वेरियंस भी अगर कैलकुलेट करूं तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं कहूंगा सर मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसके हिसाब से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी, बजटेड नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड किसके हिसाब से, कितने फिनिश गुड्स के यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, 23,200, आंखें खोल के देख लो 23,200, एक यूनिट पे 5 किलो मटेरियल लगता है, 5 किलो मटेरियल लगता है एक यूनिट, या आ गया सर। फिर अब बताएं मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी मैंने कितना मटेरियल कंज्यूम किया, सर मैंने 1,20,000 कंज्यूम किया, बताओ मेरे पास सर स्टैंडर्ड रेट, सर मेरे पास 12 रुपए का रेट, वेरियंस निकालने जाऊँ सीधी सी बात है सर मैंने ज़्यादा कंज्यूम किया तो मेरे पास जो वेरियंस आएगा वो आएगा 1,16 की जगह मैंने 1,20 कंज्यूम किए मल्टीप्लाई में 12 रुपए के हिसाब से 48,000 के एडवर्स वेरियंस। मटेरियल के दोनों वेरियंसेस निकला है सर, मैं निकाल रहा हूँ लेबर का रेट वेरियंस, निकालें सर लेबर के रेट वेरियंस, सर मेरे पास किस रेट पे कार आना चाहिए था, किस रेट पे मैंने कार खरीदा है, 2 मिनट बेटा। सर अगर मैं एक्चुअल आर्ली रेट देखूं और फिर मैं एक्चुअल आर्स देखूं तो सर मेरे पास जो स्टैंडर्ड आर्ली रेट है अगर मैं ऊपर जाके देखूं तो मुझे नज़र आ रहा है सर मेरे पास स्टैंडर्ड आर्ली रेट 6 रुपए का है और मैंने एक्चुअल 5.5 में ख़रीदे हैं आर्स, ठीक है जी। तो ये 6 है, ये 5.5 है और सर मैंने एक्चुअल आर्स खरीदने को 184,000, ठीक है जी। अगर मैं वेरियंस निकालने जाऊँ सर तो मैं आपसे कहूँगा कि सर मेरे पास 6 रुपए का एक आर आना चाहिए था, 5.5 का मैंने ख़रीदा मल्टीप्लाई बाय 184 फेवरेबल वेरियंस, ठीक है जी। सर मेरे पास लेबर का एफिशिएंसी वेरियंस, अब अगर मैं आपसे पूछूं सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ आर्स अलाउड, ठीक है जी, ये मैंने लेने, फिर सर मेरे पास है एक्चुअल आर्स जो मैंने परचेज किए हैं, मेरे पास सर स्टैंडर्ड रेट है और मेरे पास वेरियंस है। चलो जी मुझे बताओ सर मेरे पास कितने आर्स जो हैं मुझे ख़रीदने चाहिए थे। सर देखिए मैंने 24,000 यूनिट्स इस साल कंप्लीट किए हैं और हर यूनिट पे सर मेरा स्टैंडर्ड कह रहा है कि 8 घंटे लगने चाहिए, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 8 से तो सर मेरे पास इतने आवर्स लगने चाहिए थे, लेकिन मैंने सर अल्हम्दुलिल्लाह ये 184,000 घंटों में कर दिया। तो सर मैं अगर स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करूं तो सर मेरे पास जो वेरियंस आ रहा है वो आप कैलकुलेट कर लेना, वो 48,000 का फेवरेबल वेरियंस है। इसी तरह सर मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरियंस, ठीक है जी, अगर मैं निकालने जाऊं तो वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरियंस 1 घंटा कितने में आना चाहिए था, 1 घंटा कितने में आया, कितने घंटे हमने खरीदे और सर हमारे पास वेरियंस कितना है, ठीक है जी। तो सर अगर मैं देखूं तो मेरे पास स्टैंडर्ड आर एक आर कितने में आना चाहिए था, सर मेरे पास एक आर आना चाहिए था 2 रुपए का, मैंने 1.82 रुपए में एक आर खरीदा, ठीक है जी। तो मैं सर यहाँ लिख देता हूँ जनाब, 2 रुपए का एक आर आना चाहिए था, 1.82 रुपए का मैंने एक आर खरीदा। सर मैंने कितने आर्स खरीदे, सर 184,000, जितने लेबर के आर उतने वेरिएबल ओवरहेड के आर्स, अनलेस के आइडल टाइम का चक्कर हो। सर मैं वेरियंस निकालूं, अगेन फेवरेबल वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर के बाद वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, ठीक है जी। बताएं सर मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड
कितने कितने आवर्स मेरे पास सर कंज्यूम होने चाहिए थे सर, ये लेबर के ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सर मुझे ये वापस से समझा दें, कितने कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए सर? 24,000। हर यूनिट पे कितने आवर्स लगने चाहिए सर? 8 घंटे। ठीक है जी, अब बताएं एक्चुअल आवर्स हमने कितने यूज़ किए सर? 1,84,000। सर मेरे पास स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल रेट का 2 रुपये, और सर अगर मैं वेरियंस निकालने जाऊँ ये भी फेवरेबल होगा 16,000 रुपये। ठीक है जी, अब अगर मैं सर फिक्स ओवरहेड की बात करूँ तो FOH में सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा सर OAR, दिया हुआ सवाल में। हाँ सर, सवाल में OAR गिवन है, स्टैंडर्ड रेट गिवन है, ये रहा 50 रुपये का। ठीक है जी, अब बताएं सर अगर मैं आपसे पूछूँ मेरे पास सबसे पहले फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरियंस, बताएं सर मेरे पास बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना था? सर मैंने बजट किए थे, अब देखो सवाल में ये गिवन होगा, मैंने बताया नहीं आपको। ठीक है जी, यहाँ लिख दें सर हमारे पास जो बजटेड कैपेसिटी है वो ऐसे मिसाल के तौर पर 25,000 यूनिट्स। ठीक है जी, फिनिश गुड्स की यूनिट्स। अब बताएं अगर मैं आपसे पूछूं सर मेरे पास ओ यार 50 रुपये का है, 25,000 यूनिट्स पे ये कैलकुलेट हुआ होगा तो इतना बजटेड एक्सपेंडिचर था। अब बताएं सर मेरे पास एक्चुअल FOH कितना है जनाब? एक्चुअल FOH मेरे पास सर कोई 12,00,000 रुपये, तो सर मेरे पास कोई 50,000 रुपये की सीधी सीधी सेविंग्स आई है। ठीक है जी, ऐसा। अब बताएं सर अगर मैं वॉल्यूम वेरिएंस निकालूं तो मैं आपसे कहूंगा कि सर मेरे पास कितने यूनिट्स मैंने फिनिश गुड्स के प्रोड्यूस करने थे, आप कहोगे 25,000। मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, आप कहोगे जी 24,000। सर 24,000 कहाँ आ रहा है बेटा? सारे कन्वर्जन कॉस्ट के लिए, ये रहा फिनिश गुड्स का आउटपुट। ठीक है जी, 24,000 FG इफेक्टिव आउटपुट। ठीक है जी, ये आ गया 24,000। ठीक है जी, अब मैंने ले लिया, मैंने कहा सर मेरे पास स्टैंडर्ड OAR जो है कितना है सर मेरे पास? 2,000 सर 50 रुपये का। बताएं सर मैंने कितने रुपए का वेरिएंस कंपनी को दिया? सर मैंने देखिए अंडर प्रोडक्शन की है, तो सर मेरे पास ये वेरियंस एडवर्स आना चाहिए, मैथमेटिकली फेवरेबल है, मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँ। सर मेरे पास ये एडवर्स वेरिएंस है, वॉल्यूम वेरिएंस फिक्स ओवरहेड का अंडर प्रोडक्शन, लेकिन दूसरी तरफ मैंने खर्चा बचा के कंपनी को फायदा दे दिया, अंडर प्रोडक्शन की वजह से नुकसान हुआ, खर्चा सेविंग की वजह से कंपनी को फायदा हो गया। अब एक चीज नोट करें सर, मैंने आपको यहाँ कहा था कि सर यहाँ मटेरियल के लिए नॉर्मल लॉस ऑलरेडी इस 5 kg में इंक्लूडेड है। ठीक है जी, इसमें नॉर्मल लॉस का प्रोविजन ऑलरेडी शामिल है। ठीक है जी, तो इसलिए हमने यहाँ नॉर्मल लॉस का कॉलम जीरो किया, ये हमेशा इधर जीरो करो, क्योंकि अगर आपने आप देखें सर ये वेरियंस जो इफेक्ट देखना, ये जो फेवरेबल, ये जो यूजेज वेरियंस आपके पास 48,000 का एडवर्स आ रहा है ना, अगर मैं इधर सर नंबर ऑफ यूनिट्स ऐड करता हूँ तो सर ये याद रखिएगा मेरे पास जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड की फिगर है ये इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, और ये वेरियंस एडवर्स से फेवरेबल हो जाएगा, ये याद रखिएगा बेटा। आपने ये जो 5 kg लिया है दिस इंक्लूड्स नॉर्मल लॉस। ठीक है जी, अगर आप ये G19 इसमें भी नॉर्मल लॉस शामिल कर दोगे तो नॉर्मल लॉस की डबल काउंटिंग हो जाएगी, चेक करके देख लो। अगर मैं इधर 3,000 डालता हूँ, आप सिर्फ मटेरियल के यूजेज वेरिएंस पे देखना, ये कन्वर्ट हो जाएगा फेवरेबल, हो गया 1,32,000 का फेवरेबल। ठीक है जी, और सर मेरे पास नीचे जितने वेरियंसेज हैं वो भी फेवरेबल बन जाएंगे, गलत है सर ये, याद रखिएगा। ऊपर जो स्टैंडर्ड गिवन होता है हम अज्यूम करते हैं हमेशा उसके अंदर नॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट दिया हुआ, यार 5 kg में नॉर्मल लॉस शामिल है, 23,200 यूनिट्स में भी अगर नॉर्मल लॉस शामिल कर दोगे तो सर 23,200 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, 23,200 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 5 kg से, तो इसमें भी नॉर्मल लॉस, ठीक है जी, और 23,200 के अंदर भी नॉर्मल लॉस शामिल होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो मुझे इसके अंदर EPU में नॉर्मल लॉस नहीं डालना। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, मैं एक और सवाल अपलोड कर रहा हूँ थोड़ी देर में।